गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑलमोस्ट हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक दो जो टॉपिक है हमारे रहते हैं। तो उन दो टॉपिक में से एक हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है लैक्टेशन। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम आपने पढ़ा था पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ अ बेबी, कि बेबी किस तरह से डिलीवर होगा फीमेल वूम में से और वो किस तरह से इस वर्ल्ड के अंदर आएगा, इस दुनिया के अंदर आएगा, ठीक है ना। क्या प्रोसीजर होगा, कौन से हॉर्मोन्स काम करेंगे और किसकी कॉन्ट्रेक्शन से बेबी जो है एक्सपल्शन बेबी की होगी, ठीक है। तो अब जब वो आ जाता है आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर बर्थ वो इस धरती पर आ जाता है, तो उसे बच्चों सबसे पहले न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो पेरेंटल केयर है वो 100% है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर 0% है, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमन बींग ऐसी स्पीशीज है, ह्यूमंस, जिनके अंदर पेरेंटल केयर जो है वो 100% है, ठीक है ना। तो केयर करने में बेसिकली बच्चों दो चीजें मेजर होती हैं, स्पेस यानी कि शेल्टर और दूसरा होता है फूड, ठीक है ना, यानी कि नरिशमेंट। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लैक्टेशन। क्या नाम है? लैक्टेशन, ठीक है। तो आज हम लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको जब भी आप लैक्टेशन सुनते हो तो आपके माइंड में एक वर्ड आता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, है ना। नो डाउट लैक्टेशन में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, लेकिन लैक्टेशन एक ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन को अगर मैं पूरा करूं तो केवल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क नहीं आता, क्या क्या आएगा। इट इज द फॉर्मेशन, लिखो बच्चों मेरे साथ, फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। जो मैं मेजर पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं, दैट इजेक्शन, यानी कि फूड सॉरी मिल्क जो है बनेगा और वो बाहर निकलेगा, दोनों के दोनों प्रोसेस किसमें आते हैं, दोनों के दोनों प्रोसेस लैक्टेशन कवर करता है, यानी कि लैक्टेशन इज द फॉर्मेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर बॉडी और ब्रेस्ट। समझ आया? मदर की ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन और उस मिल्क का बाहर आना लैक्टेशन कहलाता है। लेकिन देखिए डेफिनेशन एक ही है बच्चों, लेकिन डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन या फॉर्मेशन की, सिक्रीशन की, तो जो फॉर्मेशन है बेसिकली हमें फॉर्मेशन ही बोलना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में बनता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और इजेक्शन जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। कैसे सर? क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड जो है बिल्कुल अलग अलग है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, फॉर्मेशन कहाँ होती है? एल्वियोली ऑफ ब्रेस्ट होती है, हमने पढ़ा था ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर। एल्वियोली ऑफ ब्रेस्ट के अंदर ब्लड सॉरी मिल्क की फॉर्मेशन होती है। समझ आया आपको? लेकिन ये कब होती है? तो यहां लिखेंगे आप बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड। जब प्रेगनेंसी पीरियड का एंड होता है तब मिल्क की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। समझ आया बच्चों? बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, तब मिल्क की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारा मिल्क तभी बनता है, स्टार्टिंग की बात है। लेकिन अगर हम बात करें इजेक्शन की, इजेक्शन कब होता है मिल्क का? देखिए ये बेसिकली बिफोर बर्थ है। आप लिख सकते हैं मिल्क फॉर्मेशन, लिखो मेरे साथ यहां पर, मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट बिफोर द बर्थ, क्योंकि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड में स्टार्ट हो जाता है, हल्की सी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना।
और इजेक्शन जो होती है वो केवल और केवल आफ्टर बर्थ होती है। कब होती है? आफ्टर बर्थ। डिफरेंस है ना बच्चों? और आफ्टर बर्थ भी क्यों होती है, कैसे होती है? व्हेन बेबी स्टार्ट सकलिंग द निपल, जब बेबी निपल को सक करना शुरू करता है। व्हेन, लिखिए बच्चों मेरे साथ, व्हेन बेबी स्टार्ट स्टार्ट सकलिंग द निपल्स, ठीक है, तब इजेक्शन स्टार्ट होती है। ये कैसे होती है, क्या होती है बच्चों, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको डेफिनेशन समझ आई। डेफिनेशन में फॉर्मेशन है, सिक्रीशन और इजेक्शन कवर होता है। समझ आया? ऐसा नहीं है कि लैक्टेशन को हम केवल फॉर्मेशन ऑफ मिल्क बोल सकते हैं, नहीं, लैक्टेशन इज द फॉर्मेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर बॉडी। और ये जो प्रोसेस है बच्चों, देखो ये जो प्रोसेस है ये हमारा न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। लिखो बच्चों, लैक्टेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, यानी कि नर्व भी रोल प्ले करेंगी और हार्मोन भी रोल प्ले करेगा। अगर बच्चों मैं आपको, और इमोशनल भी है, और बेसिकली नर्व को मैं इमोशनल से भी हल्का सा जोड़ सकता हूं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि इमोशंस भी इसमें काम करते हैं। कैसे? देखो, जब बेबी निपल्स को सक करता है तो नर्वस मैसेज जाता है, ठीक है, और आपको पता है फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है और इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, तो न्यूरोएंडोक्राइन हो गया। सर इमोशनल कैसे है बच्चों? बेसिकली मैं एंड में आपको बताऊंगा कि जब बेबी निपल को सक करता है तो मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे मैसेज जाता है और मदर क्या करती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, और उधर से हार्मोन तो रोल कर ही रहे हैं, तो इसीलिए ये न्यूरो एंडोक्राइन है। लेकिन ठीक उसी तरह का सिग्नल प्रोड्यूस होता है जब, अगर सपोज कीजिए कि बेबी मिल्क के लिए क्राई कर रहा होता है, रो रहा होता है, उस टाइम पर मदर के ब्रेन में यानी के पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर सेम मैसेज, सेम सिग्नल बच्चों जाता है क्या करने के लिए, उसको फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। तो ये एक इमोशनल हमारा सिस्टम भी है, लेकिन बेसिकली हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? चलिए उसके बाद बच्चों जो हमारा फेज है, अगर हम इसको फेजेस में डिवाइड कर दें, लैक्टेशन हैज टू फेजेस, दो इसके फेज हैं, दो स्टेप हैं, कौन कौन से, नंबर वन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड नंबर टू इजेक्शन ऑफ मिल्क, दो हुए ना, ठीक है ना, एक में बनेगा और एक में निकलेगा। तो पहला मैं लिख रहा हूं बच्चों यहां पे टू फेजेस, ठीक है ना, पहला फेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, नंबर टू दैट इज द इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है ना, या तो मैं लिख सकता हूं मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन, और यहां क्या आ जाएगा, इजेक्शन ऑफ ऑफ मिल्क, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला स्टेप, दैट इज द मिल्क सिक्रीशन। शुरू करो बच्चों मेरे साथ, बनाओ हेडिंग नंबर वन, मिल्क सिक्रीशन कैसे होगी। ठीक है, मिल्क सिक्रीशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो इसमें बच्चों आप लिखेंगे मेरे साथ, मिल्क फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय एल्वियोली। मिल्क फॉर्मेशन कहां होती है, कहां होती है, एल्वियोली के अंदर, ये हमने ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन कैसे होती है, क्यों होती है, कौन करवाता है, ठीक है, ये पॉइंट बनता है बच्चों। तो आप यहां पे लिखेंगे स्ट्यूमुलेटेड बाय, मिल्क फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस इन द एल्वियोली
एंड दीज एल्वियोली आर स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसका था बच्चों? बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन था प्रोलैक्टिन, PROLACTIN, प्रोलैक्टिन। बच्चों प्रोलैक्टिन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, जाकर के लिखो, प्रोलैक्टिन एक्टिवेट्स और स्टिमुलेट एल्वियोली ऑफ मेमरी ग्लैंड। ये प्रोलैक्टिन जो है किसके ऊपर काम करता है? एल्वियोली ऑफ मेमरी, आप कंप्लीट लिख लेना बच्चों, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, मेमरी ग्लैंड के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमें ये देखना है कि प्रोलैक्टिन जो है बेसिकली जो मिल्क की फॉर्मेशन है प्रेगनेंसी के लास्ट पीरियड में ही क्यों होती है? क्यों? क्योंकि लास्ट पीरियड में प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है। सर प्रोलैक्टिन लास्ट प्रेगनेंसी में ही, लेट यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट पीरियड में ही क्यों सीक्रेट हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? लिखो बच्चों इसके लिए, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड व्हेन, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय लो या व्हेन स्टिमुलेटेड व्हेन लो लेवल ऑफ वेल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब लो लेवल होता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन दोनों का, तब ये क्या होता है, तब ये प्रोलैक्टिन सिक्रीट होने लगता है, ठीक है ना। और ये जो है दिस लेवल फॉल्स आफ्टर पार्चुरेशन, इसका लेवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिलीवरी के बाद तो डिक्रीज ही होता है। समझ आया? क्लियर हो गया? लिखो बच्चों, इट्स लेवल या दिस लेवल फॉल्स आफ्टर पार्चुरेशन, दिस लेवल फॉल्स आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। अब जब ये लेवल पार्चुरेशन डिक्रीज हो जाता है के बाद, तो वहां पर देखो क्या हो जाता है कि जब ये लेवल डिक्रीज करता है तो इसके साथ साथ क्या होता है, प्लेसेंटा भी जो होता है डीजेनरेट कर चुका होता है तब तक, ठीक है ना। तो एक पॉइंट लिखिए, इन एक्सपल्शन, हमारा जो थर्ड फेज था पार्चुरेशन का या डिलीवरी के बाद, आपको पता है प्लेसेंटा तो रिमूव आउट हो जाता है ना, इन एक्सपल्शन प्लेसेंटा ऑल्सो डीजेनरेट, प्लेसेंटा भी डीजेनरेट हो जाता है। और बच्चों जब मैं आपको प्लेसेंटा कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है, वो अपने हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जिसमें के प्रोजेस्टेरोन भी एक उसका हार्मोन है, ठीक है। अब सर ये बताइए, आपने प्लेसेंटा क्यों लिखा यहां पे? देखो बच्चों, प्लेसेंटा के दो सोर्स हैं, सॉरी प्रोजेस्टेरोन के बेसिकली दो सोर्स हैं, कौन कौन? कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा। आफ्टर पार्चुरेशन ओवरी से प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हो गई, बचा दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा हमारा स्ट्रक्चर, दैट इज प्लेसेंटा, जो वो भी क्या कर सकता था, वो भी सिक्रीट कर सकता था किसको, प्रोजेस्टेरोन को। लेकिन क्या हुआ, पार्चुरेशन के टाइम पर ये भी डीजेनरेट हो गया, जिससे के प्रोजेस्टेरोन लेवल बिल्कुल ही लो हो गया, ठीक है ना। तो लिखो बच्चों, प्रोजेस्टेरोन लो, प्लेसेंटा की चेयर लगा के लिख दो, प्रोजेस्टेरोन लो।
तो हमें यही तो चाहिए, लो ही तो करना है। जब लो होगा तो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा, जब लो होगा तो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का लो लेवल मान लीजिए, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसका था, एंटीरियर पिट्यूटरी का था, ठीक है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहां पर क्या हो गया, बेसिकली लो लेवल हो गया दोनों का, ठीक है ना। लो लेवल किसका, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, दोनों का लो लेवल हो गया, ये हमने मेंशन कर दिया यहां पे। अगर ये लो लेवल होता है तो बेसिकली बच्चों ये एक पॉजिटिव फीडबैक है किसके लिए, किसके लिए, प्रोलैक्टिन के लिए, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती रहेगी, और ज्यादा प्रोलैक्टिन बनाती रहेगी। और ज्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा तो क्या होगा, क्या होगा, मिल्क की फॉर्मेशन उतनी क्वांटिटी ज्यादा होती चली जाएगी। समझ आया, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया। अब जैसे ये हुआ तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी के बाद आगे मैं रब करके लिख रहा हूं, दिस लो लेवल लेवल स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट, क्या बच्चों, प्रोलैक्टिन, टू प्रोड्यूस और सिक्रीट, टू सिक्रीट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा बच्चों, देखो यहां पर टू सिक्रीट प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन अब क्या करेगा, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करेगा किसको, एल्वियोली ऑफ मेमोरी ग्लैंड या एपिथीलिया, एपिथीलियम सरफेस को, एपिथीलिया ऑफ एल्वियोली किसकी होती है, मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। और जैसे ही एक्टिवेट होंगी तो ये क्या करेगा, इट स्टार्ट मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट। जैसे ही मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों लैक्टोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनेसिस। एक टर्म आ गई आपके पास, लैक्टोजेनेसिस। अब लैक्टोजेनेसिस में मेजर रोल किसका है, प्रोलैक्टिन का, यानी कि लैक्टोजेनेसिस इज द स्टार्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द एल्वियोली। जो सबसे पहले मिल्क बनना शुरू होता है उसे बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। जबकि मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, समझ आया, उसे बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। लेकिन बच्चों पॉइंट ये आ गया कि हमें केवल मिल्क की प्रोडक्शन को स्टार्ट थोड़ी करना है, हमें तो लंबे टाइम के लिए इसे कॉन्टिन्यूटी में रखना है ना। कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है बच्चों, दैट इज गैलेक्टोजेनेसिस। देखो मैं इसके सामने फर्स्ट लिख रहा हूं क्योंकि पहली टर्म है हमारी, दूसरी टर्म है गैलेक्टोजेनेसिस, GALACTO, गैलेक्टो, GENESIS, जेनेसिस, दैट इज द सेकंड टर्म, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है सर गैलेक्टोजेनेसिस, लिखो मेरे साथ बच्चों, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ मिल्क। अब वो जो लैक्टोजेनेसिस में मिल्क एक बार बना था, वैसा ही मिल्क लगातार लंबे टाइम तक बनता चला जाना चाहिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैलेक्टोजेनेसिस। यानी कि गैलेक्टोजेनेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ मिल्क, उसको मेंटेन करना क्या कहलाता है, गैलेक्टोजेनेसिस कहलाता है। समझ आया बच्चों, यस और नो,
यानी कि स्टार्टिंग में फॉर्मेशन होना दैट इज द लैक्टोजेनेसिस और कॉन्टिन्यूटी में बनते चले जाना दैट इज द गैलेक्टोजेनेसिस। समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो अब लैक्टोजेनेसिस के अंदर हमारे पास हार्मोन था प्रोलैक्टिन, लेकिन जो गैलेक्टोजेनेसिस है उसमें प्रोलैक्टिन के साथ साथ अदर हार्मोन भी अपना रोल प्ले करते हैं। लिखो यहां पर, क्या लिखोगे? दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल। कौन कौन से हार्मोन है बच्चों? नंबर वन ग्रोथ हार्मोन इसमें रोल प्ले करता है, नंबर टू थायरोक्सिन, एंड नंबर थ्री दैट इज कोर्टिसोल। ठीक है बच्चों, ये हार्मोन गैलेक्टोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। समझ आया आपको? चलिए अब हमारा पॉइंट आता है सेकंड, दैट इज द मिल्क इजेक्शन। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है? मिल्क इजेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो मिल्क बना है अब उसे बाहर निकालना है ताकि वो बेबी के पास जाए और बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, सेकंड इज द मिल्क इजेक्शन। पहला स्टेप बच्चों हमारा पूरा हो जाता है। अब मिल्क इजेक्शन क्या होता है? सीधा लिखो बच्चों पहला पॉइंट, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। पूरा लिखेंगे आप ऑक्सीटोसिन, और बच्चों पता है ना आपको ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज करता है? लिख दो, रिलीज्ड बाय, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है बच्चों, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज करती है और ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन है जो कॉन्ट्रेक्शन कराता है। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? ये करता क्या है? बच्चों ने ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर मसल्स को पढ़ा था कि मेमरी ग्लैंड के पास कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, पढ़ा था हमने। तो आप लिखो इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखेंगे? लिखो बच्चों, ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल प्रेजेंट अराउंड द मेमरी ग्लैंड। लिखो, क्या कराता है? कॉन्ट्रेक्शन कराता है मसल्स प्रेजेंट अराउंड मेमरी ग्लैंड। अब इनकी कॉन्ट्रेक्शन करा देगा, ठीक है ना? कॉन्ट्रेक्शन से रिजल्ट क्या निकलेगा? स्क्वीजिंग हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी। कौन? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कौन? मेमरी ग्लैंड। जिससे क्या होगा? मिल्क इज इजेक्टेड आउट और इजेक्टेड बाय द निपल। क्या होगा? स्क्वीज। जिससे क्या होगा? मिल्क इज इजेक्टेड बाय द निपल। ठीक है, वो पोर्शन स्क्वीज होने से क्या होगा? मिल्क जो है बाहर आ जाएगा, लेकिन किस तरह से ये भी हम देखेंगे। अब लिखो बच्चों इसके बाद कि ऑक्सीटोसिन ने मिल्क इजेक्शन करवा दी निपल के थ्रू। ठीक है, लेकिन एक मेजर पॉइंट बच्चों आपने याद रखना है कि जैसे ही पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है एक बेबी की, उसी के साथ जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो बहुत कम या लो अमाउंट आप लिख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है और हॉर्मोन्स जो है अपना पूरा वर्क करते हैं,
तो इस मिल्क की अमाउंट जो है वो बढ़ती चली जाती है। समझ आया? तो आप पहला पॉइंट इसके बाद लिखेंगे आफ्टर पार्चुरेशन पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, लिखो द मिल्क प्रोडक्शन इज नॉट मच और लेस अमाउंट। मिल्क प्रोडक्शन इज इन लो अमाउंट। स्टार्टिंग में ये जो है लो अमाउंट में सिक्रीट होता है, ठीक है। मिल्क की जो प्रोडक्शन है बहुत धीरे रहती है, बहुत कम रहती है, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम यहां पर एक मेजर कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे बच्चों, फर्स्ट मिल्क फॉर बेबी और फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क जो होता है दैट इज द कोलोस्ट्रम। लिखो बच्चों, फर्स्ट मिल्क जो पहला मिल्क होता है दैट इज कोलोस्ट्रम। लिखो बच्चों, COLOSTRUM। कोलेस्ट्रम होता है। और ये कोलेस्ट्रम होता क्या है बच्चों, ये आप इसको पहला नाम तो पता चल गया आपको कि ये सर पहला मिल्क होता है, विस्कस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मल मिल्क से थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है ना। तो लिखो बच्चों आप, दैट इज अ थिक विस्कस पेल येलो। थिक कलर में पेल येलो होता है और ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्योंकि बेबी जो पैदा होता है हमारी बॉडी में बच्चों, कोई पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम नहीं, इम्यून ऑर्गन नहीं होता। और जब कोई बेबी पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप्ड नहीं होता, तो इसीलिए मदर की तरफ से कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज बेबी के अंदर डाली जाती हैं मिल्क के थ्रू, और वो कोलेस्ट्रम जो है उसके अंदर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कौन सी होती है वो एंटीबॉडी? That are IgA। कौन सी होती है? Ig माने इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी टाइप? A। ये पांच तरह की होती है ना बच्चों। IgA टाइप की एंटीबॉडी इस कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इन एंटीबॉडी को हमारे एग्जामिनर इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी का साइंटिफिक नेम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है और इम्यून सिस्टम में काम करती है, इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी टाइप? ए टाइप। कोलेस्ट्रम में कौन सी होती है? IgA। एक और बच्चों, अगर मान लीजिए आपको कोई पूछ ले तो एक और टाइप होती है IgG। सर आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चे को दो तरह की एंटीबॉडी मदर से प्रोवाइड की जाती है, कोलेस्ट्रम के थ्रू IgA। हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दे दे, आपके माइंड में एकदम जाएगा मदर से तो IgA जाती है। नहीं बच्चों, ठीक है ना। IgG जो है वो है ट्रांसप्लेसेंटल, अकेली है ऐसी जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर चली जाती है, ट्रांसप्लेसेंटल, ठीक है ना। IgG जो है वो है दैट इज अ ट्रांसप्लेसेंटल। ठीक है, ये है ट्रांसप्लेसेंटल और ये जाती है मिल्क के थ्रू, ध्यान रखना बच्चों इसे, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर अपने आप एंटीबॉडी बने या वैक्सीन दी जाए, फिर भी हमारी बॉडी ही वैक्सीन के रिस्पांस में अपने आप क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। दोनों के रिजल्ट, अब मैं हेल्दी हूं तो मेरे अंदर एंटीबॉडी अपने आप बन रही है, और अगर मुझे किसी डिजीज की वैक्सीन दी जाए तो उस वैक्सीन के अगेंस्ट तब भी मेरी बॉडी एंटीबॉडी तो अपने आप ही बनाएगी, ठीक है ना। अगर किसी पर्सन की बॉडी अपने आप इंटरनली एंटीबॉडी बनाए तो उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन
अगर किसी पर्सन को बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाए तो उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि कोलोस्ट्रम जो है आईजीए प्रोवाइड करके पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। समझ आया बच्चों, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, पैसिव इम्यूनिटी क्यों? क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडी बच्चे के अंदर डाली गई है। समझ आया आपको? तो ये था बच्चों कोलोस्ट्रम के बारे में पहला। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कि जो मिल्क इजेक्शन है वो सेंसरी, इमोशनल और हॉर्मोनल तीनों उसमें काम करते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कौन कौन से रोल प्ले करते हैं। नंबर वन, सकलिंग ऑफ ऑफ निपल, इसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन होगा, दैट इज द सेंसरी नर्व यहां पर काम करेंगी, ठीक है ना। सेकंड, क्राइंग ऑफ बेबी, जैसे ही बेबी क्राई करेगा तो बेबी के अंदर एक इमोशनल सिग्नल जाएगा, मदर के अंदर एक इमोशनल सिग्नल जाएगा जिससे कि मिल्क इजेक्शन शुरू करवाएगा वो और ऑक्सीटोसिन की फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है ना, क्लियर। और थर्ड जो बच्चों हमारा था वो हार्मोनल तो है ही है, तो ये चीजें बेबी के मदर के अंदर से मिल्क इजेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब आता है बच्चों, इसीलिए हम ये कह सकते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है मिल्क इजेक्शन या लैक्टेशन जो है न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, ठीक है बच्चों, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है ये, ठीक है, जिससे के मिल्क की प्रोडक्शन और इजेक्शन होती है। समझ आया? क्लियर हो गया? मुझे लगता कि यहां तक कोई डाउट होना चाहिए, अगर है तो चैट बॉक्स में डाल दो बच्चों, ताकि मैं आपको वो भी क्लियर करा दूं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इजेक्शन ऑफ मिल्क भी कंप्लीट हो जाता है और लैक्टेशन के दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है बच्चों, देखो कोलेस्ट्रम की आपने पढ़ा, कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क। मिल्क बेसिकली है क्या? मिल्क बच्चों एक वाइट कलर का न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जो मदर की ब्रेस्ट की एल्वियोली के अंदर फॉर्मेशन होती है। तो हम केवल यहां पर अब कॉम्पोजिशन ही लिखेंगे मिल्क की। मिल्क को बेसिकली बैलेंस्ड और कंप्लीट फूड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, चलिए बात करते हैं किस किस की। मिल्क के अंदर बच्चों वाटर, मिनरल्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होती है, लैक्टोज की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में होती है, लैक्टोज की फॉर्म में। अगर मैं बात करूं प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, केजीन प्रोटीन, केजीन प्रोटीन आपने पढ़ा होगा जो रेनिन जिसे डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्या रह गया हमारा, हमारा रह गया यहां पे फैट, तो फैट जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये देखकर आपको लगा होगा कि सारे के सारे मटेरियल इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसीलिए मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड। समझ आया? तो ये था बच्चों कंप्लीट लेक्चर हमारा किसके बारे में, लैक्टेशन के बारे में, जो पार्चुरेशन के बाद आता है, डिलीवरी ऑफ अ बेबी के बाद आता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करता हूं, दैट इज द ट्विन्स फॉर्मेशन। बेसिकली ट्विन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जुड़वा बच्चे बच्चों या ट्विन्स जो हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल, एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल, ठीक है ना। जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं वो हूबहू एक जैसे होते हैं, या दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता
कि एक मेल और एक फीमेल हो आइडेंटिकल के केस में, ये लो आइडेंटिकल, और एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल, इस केस में दोनों की सेक्सेस सेम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है ना, दोनों क्या होंगे बोथ मेल और फीमेल, इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है, ऐसा क्यों? लेकिन पहले समझो बच्चों कि आइडेंटिकल को बोलते हैं मैटरनल ट्विंस, यानी कि मदर का रोल, और नॉन आइडेंटिकल को बोलते हैं पैटर्नल, यानी कि फादर का रोल। लेकिन बच्चों जब हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि सर दोनों का रीजन केवल मदर ही थी, फादर नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसा क्यों हुआ सर, हमने आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्नल नाम क्यों रखा? ऐसा तो इससे लग रहा है कि इसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है और इसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है, इसका एक रीजन है बच्चों, क्या? देखो इस केस में आइडेंटिकल में एक ही तो एग होता है, वन एग एंड वन स्पर्म होता है, तो स्पर्म तो एक ही हुआ ना, इसमें एक ही स्पर्म रोल प्ले करता है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है इस केस में टू एग और टू स्पर्म्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कैसे सर आप हमें बताइए। चलो बच्चों आप ध्यान से देखते हैं, बच्चों ये जाइगोट बन गया, देखो यहां पे अब आप वापिस आ जाओ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आज, ठीक है, ये जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड है, इसने जब क्लीवेज की तो इसके अंदर ब्लास्टोमियर बन गई, ये ब्लास्टोमियर बन रही थी इसके अंदर, आउटर और इनर ब्लास्टोमियर बन रही थी, यानी कि जो डिवीजन चल रही थी वो अंदर की न्यूक्लियस की चल रही थी, बाय चांस क्या हुआ एबनॉर्मेलिटी आ गई डिवीजन के अंदर, यानी कि डिवीजन की साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हुई और अंदर के न्यूक्लियस के डिवाइड करने की बजाय की जगह पूरा का पूरा जाइगोट ही डिवाइड कर गया, ठीक है, जिससे कि कुछ सेल तो यहां रह गई इस साइड पे और कुछ सेल यहां पे रह गई, और बच्चों आपको पता है हमारी क्लीवेज कौन सी थी, इनडिटर्मिनेट, ये सेल क्या थी, टोटिपोटेंट सेल, अगर मान लीजिए यहां पर 100 सेल हैं, 100 में से 90 सेल डीजेनरेट हो जाती हैं, तो क्या बेबी पूरा बनेगा? हाँ बच्चों बेबी कंप्लीट बनेगा ह्यूमंस के अंदर, क्यों? क्योंकि ये सारी सेल अनडिफरेंशिएटेड थी, टोटिपोटेंट सेल थी, ठीक है ना, इन सेल्स के पास हर ऑर्गन बनाने की इंफॉर्मेशन है। अब ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई, अब इन सेल का प्रिकर्सर कौन है, वो तो ये है ना, जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है वही सेम जेनेटिक मटेरियल इन सब के अंदर है, यानी कि इन सब के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल है। अब यहां से एक बेबी ग्रो करेगा और यहां से दूसरा बेबी ग्रो करेगा, तो यानी कि टोटली जो चेंज आया वो मदर के अंदर आया ना, इसीलिए इसे मैटरनल ट्विंस कहा जाता है, इन्हें जाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जाइगोट में एबनॉर्मल डिवीजन हुई जिसकी वजह से क्या हुआ ट्विंस बने। अब समझ आया, इसीलिए ये आइडेंटिकल है, क्यों? क्योंकि देखो जो क्रोमोजोम इसके पास वही क्रोमोजोम इसके पास, तो सेम क्रोमोजोम रहेंगे तो करेक्टर भी सेम रहेगा, चाहे वो सेक्सुअल करेक्टर हो चाहे वो ऑटोसोमल करेक्टर हो, सब सेम रहेगा ना, ठीक है। अब बात आती है यहां पे, देखो हर मंथ ओवरी को एक एग प्रोड्यूस करना होता है, और बेसिकली अल्टरनेट मैनर में, एक मंथ में राइट एग ओवरी करेगी तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी करेगी, ठीक है ना। बाय चांस क्या हुआ एबनॉर्मेलिटी आ गई फीमेल के अंदर, लेकिन पता नहीं चलता बच्चों इसका, ठीक है ना, हो सकता है एक ही ओवरी ने दो एग बना दिए हों, और हो सकता है कि दोनों ओवरी ने एक एक एग बना दिया हो। बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में हमारे पास क्या आ गए, दो एग आ गए, चाहे वो एक ही फेलोपियन ट्यूब में हो चाहे वो अलग अलग फेलोपियन ट्यूब में हो, ठीक है। मेल ने तो पहले भी उतने स्पर्म इंसर्ट करने थे, अभी भी उतने स्पर्म इंसर्ट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब फर्टिलाइजेशन के लिए जितने स्पर्म वहां पहुंचे उनको वहां पर दो एग मिले, ठीक है ना। अब एग के अंदर तो एक्स एक्स सेम है,
फॉर एग्जाम्पल ये एग सेल हैं दोनों, इनके पास ये स्पर्म पहुंचा और इसके पास ये स्पर्म पहुंच गया और फर्टिलाइजेशन हो गई। अब अगर ये दोनों स्पर्म बाय चांस वाई वाई हैं, क्रोमोसोम अपने पास रखते हैं, तो इनका जो रिजल्ट निकलेगा वो मेल निकलेगा, लेकिन दोनों का मेकअप तो अलग अलग है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर पहले जो हुई थी वो अलग अलग हुई दोनों की, तो इसीलिए ये दोनों लड़के जो होंगे नॉन आइडेंटिकल होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया, एज इट इज नहीं होंगे, चेंज होगा इनके अंदर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक वाई और एक एक्स आ जाता है तो ये यहां पर लड़का हो गया और ये यहां पे फीमेल हो गई, ठीक है ना, तो भी अलग अलग हो गए। ठीक है, और अगर दोनों फीमेल आ जाती हैं तो भी अलग अलग रहेंगी क्योंकि जेनेटिक मेकअप तो हल्का सा अलग रहेगा क्योंकि गैमिट फॉर्मेशन अलग अलग हुई थी। अब समझ आया, इसमें दो अलग अलग स्पर्म दो अलग अलग एग थे इसीलिए नॉन आइडेंटिकल बने, और इसमें क्या है एक ही जाइगोट था, एक ही स्पर्म और एक ही एग से बना इसीलिए ये आइडेंटिकल है। समझ आया बच्चों, तो ये था हमारा ट्विंस का टॉपिक, पूरा का पूरी नॉलेज आपने देख लिया आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल कैसे बनते हैं। ठीक है ना, अगर जाइगोट अन डिवीजन सही रखता अपनी तो आइडेंटिकल ट्विंस बनते ही ना, टोटी पोटेंसी कैपेसिटी यूज हुई और उसने पूरा के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना दिया। समझ आया, ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर किसके बारे में, ट्विंस और लैक्टेशन के बारे में।